चलिए बात करते हैं मुंगेली के लोरमी की, जहां पर शासन एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर बजट भेज रहा है जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला मुंगेली के लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व का है, जहाँ ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि कटामी और अतरिया वन ग्रामों क्षेत्र में मनियारी नदी है, जिसमें बारिश के बाढ़ के पानी से ऐसे हालत बन जाते हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। हर बार पुलिया निर्माण के आश्वासन दिए गए अधिकारी द्वारा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इतना परेशानी है सर, सबको आ जाए में भाई साहब भी आ रहे हैं, इतना तकलीफ हो रहा है, सामने में देख रहे हैं और जान रहे हैं, हम भी नहीं पूरा इलाका जान रहा है, और इतना दिक्कत कर रहे हैं फॉरेस्ट वाला। हाँ तो रोड नहीं बनवाते, ठीक है हमको भगाना चाहते तो भगा दो, हम चले जाएंगे, हमको जगह दो। समय में कटाव होता है तो इसके संबंध में मुझे विस्तृत में जानकारी नहीं है, पर अगर स्वीकृति भी होती है फिर भी क्योंकि वहाँ पे ये प्रकल्प होने की वजह से यहाँ वन विभाग से अलग से स्वीकृतियाँ भी देनी पड़ती है, तो पूरे परीक्षण के पश्चात ही हम लोग इस विषय में कुछ आगे बता पाए। हम इस समय कटामी और अतरिया के बीच मनियारी नदी में खड़े हो, जहाँ पर लोगों को खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यदि ग्रामीणों की बात करें तो जहाँ तक मांगे थी कि यहाँ पर एक पुल बनाई जाए, बहुत ज्यादा लोगों के यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कितनी परेशानी उन्हें हो रही है। जी बताएंगे कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को। देखो इतना परेशानी बहुत परेशान जा रहे हैं हम लोगों को, ये तो मरना है ही है। हाँ कम से कम वो खुड़िया से छपरवा तक हमका रोड का परेशानी बस वही है। ये पुलिया नहीं बना है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी साहब। क्या चाहते हैं आप लोग? पुल बनना चाहिए, रोड चाहिए। जी है साहब, पुल भी बने। तो ये थे कुछ ग्रामीण जिनका कहना है कि इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इनकी मांगे हैं कि जल्द ही यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाए, रोड का निर्माण किया जाए, जिससे इन्हें आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में कब तक इन ग्रामीणों की मांगे पूरी होती है। कैमरा सहयोगी प्रकाश यादव के साथ संदीप सिंह ठाकुर, स्वराज एक्सप्रेस, लोरमी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सागर सिंह जुड़ चुके हैं। सागर जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी धन्यवाद सर। जिस तरह हम एक खबर दिखा रहे हैं लोरमी की है, मुंगेली के लोरमी की, यहाँ पर मनियारी नदी है, जहाँ पर कई लंबे समय से पुल के बनाने की बात लंबे समय से की जा रही है, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया है। क्या आपने क्षेत्र का निरीक्षण किया है? अरे सर, हम लोग ये देखिए, जब तक भाजपा की सरकार थी, हम लोग के द्वारा कुछ नहीं तो कम से कम 10 से ज्यादा आंदोलन किया गया उस बात को लेके। और उस समय तक तो जानते हैं भाजपा शासन में हम लोग उम्मीद भी नहीं थी कि ये काम होगा, लेकिन अभी जो है अब चूंकि हमारी सरकार आ गई है तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल जो है ये जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी। तो क्या लगता है, क्या इसके लिए अभी तक कोई प्रस्ताव बनाकर भेजा है या ये बात ऊपर तक सारा? दरअसल क्या होता है सर, इसमें तकनीकी समस्या ये है कि ये जो है एटीआर क्षेत्र में है, तो उसमें जो है क्या है मंजूरी की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठिन है। आपने बताया कि अब कांग्रेस सरकार आ गई है, बीजेपी सरकार के वक्त ये नहीं बन पाया, 15 साल में सरकार नहीं बना पाई, अब कांग्रेस सरकार आई है, तो ये जो आप परमिशन की बात कर रहे हैं, जो समस्या की बात कर रहे हैं, वो रहेगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, समस्या अब जो है इसलिए नहीं होगी कि टीएस के लिए टेक्निकल इसको स्वीकृति मिल चुकी है। ये हम लोग अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब के पास भी चर्चा किए थे, तो जो वन विभाग से स्वीकृति जो है ये मिल गई है, और ये हो ना हो इसी सत्र में जो है ये इसका निर्माण हो जाएगा। नहीं तो अभी क्या लगता है, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि जो अभी की बात करें तो क्या ये समस्या लंबे समय से थी, तो इस बारे में कभी आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया इस चीज को लेकर जब बीजेपी? अरे मैं आपको जैसा बताया हूँ सर, इस मामले में कुछ नहीं तो 10 से ज्यादा हम लोग आंदोलन किए, जिसमें 7 मामले दर्ज हैं अभी मेरे ऊपर जी, और जिसकी पेशी अभी मैं हर महीने जाता हूँ मैं, तो इसको लेके और खुड़िया में जो धान खरीदी केंद्र है इसको लेके जो बेसिक समस्याएं हैं, इसको लेके हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं, 4-5 साल तो बहुत ज्यादा लड़ाई लड़े। क्या माना जाए, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 1 साल के भीतर ये यहाँ पर जो पुल निर्माण का काम है वो शुरू हो जाएगा, या जो भी आप कह रहे हैं कि मंजूरी मिल जाएगी? यदि मान लीजिए कि 1 साल के भीतर ये निर्माण नहीं होता है तो क्या आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल 100% खड़े होंगे। देखिए सरकार के ये हमारी जवाबदारी है, सरकार कोई नहीं है, सरकार हम ही है, क्योंकि ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए, क्योंकि खुड़िया में भी वही मांग हम लोग खुड़िया धान खरीदी केंद्र के लिए किए थे, जिसको अभी आदरणीय अमरजीत भगत जी ने
स्वीकृति दे दी, एक तारीख को उसका उद्घाटन है। तो चूंकि एक मांग हमारी पूरी हो गई, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि ये वाली मांग भी हमारी बहुत जल्दी पूरी होगी और आप देखेंगे कि साल भर के अंदर वहाँ निर्माण कार्य हो जाए। जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि ये जो आपकी एक मुहिम और आपका कॉन्फिडेंस है वो कितना कारगर साबित होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ संदीप सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं लोरमी से। संदीप, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारे साथ अभी यार जो कांग्रेस नेता सागर सिंह से ही बात हुई है, उनका एक कहना है कि एक साल के भीतर ये काम शुरू हो जाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है और क्या लगता है कि जिस तरह बीजेपी शासनकाल में जो काम नहीं हो पाया वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हैं कि एक साल के भीतर हो जाएगा। शरद, मैं बता दें, पूरा मामला अचानकमा टाइगर रिजर्व के वन ग्राम कटामी और अतरिया के बीच में पुल निर्माण की जो लगातार मांगी की जा रही थी, वन ग्राम के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आजादी को 70 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं। समय समय पर जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि वहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि वोट मांगने के लिए गए हैं लेकिन वोट मांगने के बाद जब स्थानीय विधायक के तौर में विधायक चुने गए या सांसद चुने गए हैं वो अभी तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाए हैं। तो कहीं कहीं से अभी कांग्रेस की सरकार है और 15 साल में यदि निर्माण कार्य नहीं कराई गई है तो कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेसियों का यह कहना है तो बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीणों की मांगे पूरी हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वहां पर 3 माह बारिश के दिनों में यह हालात रहता है कि 3 माह में छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती, दर्जन भर गांव के संपर्क टूट जाते हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ग्रामीणों का क्या कहना है इस बारे में, यदि उनका क्या इस बारे में उनकी बातचीत की कि बीजेपी सरकार के दौरान ही काम नहीं हुआ तो कांग्रेस के जो नेता है वो इस बात को कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हाँ काम हो जाएगा, तो ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा लगातार मांग की जाती है लेकिन किसी तरीके से न ही जनप्रतिनिधि न ही स्थानीय नेता नहीं अधिकारियों के द्वारा किसी तरीके से कोई पहल नहीं की जा रही है। ग्रामीण परेशान है और वो केवल वाली बात होगी कि जिस तरह हमने कांग्रेस नेताओं से बात की और साथ में जो जो वहाँ के ग्रामीणों से आपने बात की उससे लग रहा है कि एक साल के भीतर ये काम हो जाता है, नहीं तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस के जो नेता जिनसे बात की वो खुद कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं या नहीं होते, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया बहुत हमसे बातचीत करने के लिए।